हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 87 जावा इन हिंदी। और इस लेसन में सीखेंगे जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है जावा के अंदर। तो बेसिकली जब भी आपको फाइल में डेटा राइट करना हो या रीड करना हो, ओके, फाइल ओपन करनी हो, क्लोज करनी हो, तो उसके लिए स्ट्रीम यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। ओके, तो स्ट्रीम क्या होता है वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। ये देखिए, जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो जावा परफॉर्म इनपुट आउटपुट थ्रू स्ट्रीम्स, यानी कि स्ट्रीम का यूज़ करके जावा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। स्ट्रीम इज लाइक ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा। ओके, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि डेटा कंटिन्यूस फ्लो होता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। ओके, तो उसे स्ट्रीम बोला जाता है। ओके, फॉर आईओ ऑपरेशन यू हैव टू इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ पैकेज। और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको जावा डॉट आईओ पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्ट्रीम का यूज करके परफॉर्म होता है। ओके, स्ट्रीम क्या है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा, और हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट आईओ पैकेज। सो जावा डिफाइन टू टाइप ऑफ स्ट्रीम्स, बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। ओके, तो जावा के अंदर ये दो टाइप के स्ट्रीम अवेलेबल है, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम यूज फॉर हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑफ बाइट। ओके, बाइट के फॉर्म में इनपुट आउटपुट अगर आपको परफॉर्म करना है तो बाइट स्ट्रीम यूज होता है। और कैरेक्टर स्ट्रीम, तो इनपुट आउटपुट हैंडलिंग करना है आपको कैरेक्टर्स का। ओके, तो कैरेक्टर स्ट्रीम आप यूज कर सकते हो। तो ये देखिए, जावा बाइट स्ट्रीम क्लासेस। बाइट स्ट्रीम क्लासेस के दो टाइप है, इनपुट स्ट्रीम क्लासेस एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। ओके, तो इनपुट स्ट्रीम क्लासेस जो है वो बाइट को रीड करने के लिए यूज़ होता है, और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस जो है वो बाइट को राइट करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि रीड करने के लिए इनपुट, राइट करने के लिए आउटपुट। तो ये सब क्लास के लिस्ट है बाइट स्ट्रीम क्लासेस। ये देखिए, बफर इनपुट स्ट्रीम, तो यूज़ फॉर बफर इनपुट स्ट्रीम, देन बफर आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, कंटेंट मेथड फॉर रीडिंग जावा स्टैंडर्ड डेटा टाइप। ओके, तो यदि आपको डेटा रीड करना है, ओके, जो आप रीड करना चाहते हो डेटा, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज़ कर सकते हो। डेटा आउटपुट स्ट्रीम जो है वो राइट करने के लिए यूज होता है डेटा। ये देखिए, एंड आउटपुट स्ट्रीम दैट कंटेन मेथड फॉर जावा राइटिंग जावा स्टैंडर्ड डेटा टाइप। स्टैंडर्ड डेटा टाइप यानी कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो सब वैल्यू आपको राइट करनी हो या रीड करनी हो, ओके, तो राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम यूज होता है, रीड करने के लिए ये डेटा इनपुट स्ट्रीम। ओके, देन फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। देखिए, इनपुट स्ट्रीम दैट रीड फ्रॉम अ फाइल, तो यदि आपको कोई फाइल ओपन करनी है, रीड करनी है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज होता है, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम डेटा को राइट करने के लिए यूज होता है। देन इनपुट स्ट्रीम क्लास है एंड आउटपुट स्ट्रीम, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट डिस्क्राइब स्ट्रीम इनपुट एंड स्ट्रीम आउटपुट। तो ये स्ट्रीम इनपुट और आउटपुट के लिए दो क्लास दिए हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देन प्रिंट स्ट्रीम, ओके, तो वो क्लास जो है वो क्या करता है, आउटपुट स्ट्रीम दैट कंटेन प्रिंट एंड प्रिंट एलन मेथड। यदि आपको डेटा रीड करना है और उसको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट एंड प्रिंट एलन मेथड आपके पास होगी, जो कौन प्रोवाइड करता है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास। ओके, तो ये सब क्लास कौन से काइट क्लास है, बाइट स्ट्रीम क्लासेस है। ओके, ये देखिए, रीड एंड राइट मेथड भी यूज कर सकते हो आप डेटा रीड करने के लिए और डेटा राइट करने के लिए बाइट के फॉर्म में। ओके, रीड बाइट ऑफ डेटा, राइट बाइट ऑफ डेटा। तो रीड राइट के लिए रीड और राइट, ये दो मेथड भी आप यूज कर सकते हो जावा के अंदर। अब देखते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। ओके, ऊपर वाले क्लास थे वो क्या थे, बाइट स्ट्रीम क्लासेस थे, और अब कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास। तो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास का नाम कैसे होता है, रीडर और राइटर करके होता है।
ओके। और ये देखिए बाइट स्ट्रीम क्लास, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, ओके, लास्ट में स्ट्रीम लिखा हुआ होता है। ये देखिए सभी क्लास के अंदर स्ट्रीम लिखा हुआ है, बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो आप ये याद रखिए कि जिस क्लास के लास्ट में स्ट्रीम आता हो, ओके, वो क्या कहलाता है, बाइट स्ट्रीम क्लासेस कहलाते हैं, ओके। और अब देखिए जावा कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस, तो उसके दो टाइप है, रीडर एंड राइटर। रीडर यानी कि रीड करने के लिए यूज होता है, राइटर यानी राइट करने के लिए कैरेक्टर्स, ओके। ये देखिए बफर रीडर, बफर राइटर, तो हैंडल बफर इनपुट स्ट्रीम, हैंडल बफर आउटपुट स्ट्रीम, ओके। यानी कि डेटा आपको रीड करना है बफर में से, तो ये बफर रीडर क्लास यूज होता है। और बफर में डेटा राइट करना हो तो बफर राइटर क्लास यूज होता है, ओके। देन फाइल में से रीड करना हो तो फाइल रीडर एंड फाइल राइटर, ओके। देन इनपुट स्ट्रीम रीडर, आउटपुट स्ट्रीम रीडर, ओके। स्ट्रीम में से आपको डेटा राइट करना है और बाइट टू कैरेक्टर कन्वर्ट करना है तो इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज होता है, ओके। और आउटपुट स्ट्रीम रीडर यानी कि आपको डेटा स्ट्रीम के अंदर डालना है, ओके, तो कैरेक्टर टू बाइट ये कन्वर्ट करेगा और स्ट्रीम के अंदर डेटा जो है वो चला जाएगा, ओके। प्रिंट राइटर, तो उसके अंदर दो मेथड है, प्रिंट एंड प्रिंट एलन मेथड, जो कि डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है मेथड दोनों। रीडर एंड राइटर, ओके, वे दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास है स्ट्रीम क्लास, इनपुट आउटपुट के लिए। तो याद रखिए कि जिस क्लास के एंड में रीडर राइटर आता हो, ये देखिए बफर रीडर राइटर, फाइल रीडर फाइल राइटर, ये भी रीडर राइटर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, आउटपुट स्ट्रीम रीडर, ओके। तो इस तरीके से रीडर और राइटर क्लास के एंड में आता हो तो वो कहलाता है कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस, ओके, और वो कैरेक्टर पर काम करते हैं। अब ये देखिए एग्जांपल, रीडिंग कंसोल इनपुट, यदि आपको इनपुट लेना है यूजिंग बफर रीडर तो आप कैसे ले सकते हैं, ये देखिए बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ पहले, बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, ओके, और उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा इनपुट स्ट्रीम रीडर का, ओके। ये देखिए कि बफर रीडर ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर क्लास, सिस्टम डॉट इन क्या है, तो सिस्टम डॉट इन कंसोल इनपुट आर रीड फ्रॉम दिस, कौन सिस्टम डॉट इन मतलब कीबोर्ड में से हमें डेटा रीड करना है, ओके, एंटर करना है। तो कीबोर्ड में से डेटा किधर जाएगा, स्ट्रीम के अंदर जाएगा, और स्ट्रीम के अंदर से डेटा कौन लेगा, ये इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये स्ट्रीम को रीड करेगा, ओके। ये देखिए इनपुट स्ट्रीम रीडर इज सब क्लास ऑफ रीडर क्लास, इट कन्वर्ट बाय टू कैरेक्टर, ओके। तो जो भी डेटा कीबोर्ड से हम एंटर करेंगे वो बाइट में होगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, ओके, और वो कैरेक्टर को कौन रीड करेगा, ये बफर रीडर, ओके। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर रीडर ये दोनों क्लास है, किसके क्लास, कैरेक्टर क्लास है जावा के, ओके। तो इस तरीके से आप वैल्यू एंटर कर सकते हो यूजिंग कीबोर्ड, स्ट्रीम के अंदर डालनी हो तो, ओके। ये देखिए सिस्टम डॉट इन, वहाँ से जाएगा स्ट्रीम के अंदर डेटा बाइट में, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा बाइट को कैरेक्टर में, ओके, और उसको रीड कौन करेगा, बफर रीडर, तो बीआर के अंदर वो डेटा आएगा ये ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके। तो इस तरीके से आप डेटा रीड कर सकते हो यूजिंग बफर रीडर। ये एग्जांपल है, देखिए कि कैसे डेटा स्ट्रीम के अंदर जाता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, हाउ स्ट्रीम क्लास वर्क, ओके। ये देखिए सोर्स यानी कि ये हमारा डेटा है, ओके, यानी कि कीबोर्ड में से आप डेटा एंटर करते हो तो यहाँ पर डेटा जमा होता है पहले, तो सोर्स कहलाता है, तो वो स्ट्रीम में जाएगा। ये देखिए ये जो लाइन है वो स्ट्रीम है हमारी, डेटा यहाँ से धीरे धीरे डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, ओके। तो ये जो हमने एग्जांपल देखा सिस्टम डॉट इन, वहाँ से डेटा एंटर होगा कहाँ पर, स्ट्रीम के अंदर, यानी कि ये जो है पार्ट, ये हमारा सोर्स पार्ट, तो वो है स्ट्रीम, ओके। और डेस्टिनेशन पार्ट यानी कि बी आर, ये बफर रीडर का ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ तक डेटा जाना चाहिए स्ट्रीम में से, ओके। तो ये देखिए
सबसे पहले system.in में से डेटा इधर आएगा सोर्स में, फिर डेटा जाएगा स्ट्रीम के अंदर, और स्ट्रीम के अंदर से डेटा कौन रीड करता है, इधर इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो यहाँ से डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड करेगा और इस डेटा को कन्वर्ट करेगा बाइट में से कैरेक्टर में और डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगा, यानी कि BR ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो ये कंसेप्चुअल डायग्राम है। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाउ स्ट्रीम वर्क। आप डेटा रीड कर रहे हो, ओके, फाइल में से रीड कर रहे हो, कंसोल यानी कि आउटपुट स्क्रीन में से या सॉकेट में से रीड कर रहे हो, तो वो कहलाता है सोर्स। ओके, फिर डेटा कहाँ जाएगा, स्ट्रीम के अंदर जाएगा। तो स्ट्रीम के अंदर से डेटा कौन रीड करता है, इनपुट स्ट्रीम। ओके, और वहाँ से जाएगा जावा एप्लीकेशन के अंदर। और अगर आपको डेटा राइट करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करना है। ओके, तो डेटा सबसे पहले कहाँ जाएगा एप्लीकेशन में से, आउटपुट स्ट्रीम के अंदर, जहाँ पर डेटा राइट होता है, यहाँ पर डेटा रीड होता है। ओके, तो आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करके आप डेटा स्ट्रीम में डाल सकते हो और फिर डेस्टिनेशन जाएगा, वहाँ से जाएगा फाइल में या कंसोल में कहीं भी। ओके, तो ये एक डायग्राम है। अब ये एग्जांपल देखते हैं, चलो, हाउ टू रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है, इंपोर्ट java.io.star। ओके, यानी कि इनपुट आउटपुट पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर वर्ड मेन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर। ओके, रीडर का यूज़ करके हम डेटा रीड कर रहे हैं अभी, तो बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर, देन न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर इनटू ब्रैकेट system.in। तो ये पूरा फ्लो जाएगा राइट टू लेफ्ट। ये देखिए, system.in यानी कि कीबोर्ड में से आपको डेटा एंटर करना है, वहाँ से डेटा किधर जाएगा, स्ट्रीम के अंदर जाएगा। तो स्ट्रीम को रीड कौन करेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इनपुट स्ट्रीम रीडर में से डेटा कौन रीड करता है, बफर रीडर। ओके, तो बफर रीडर जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डेटा आएगा और उसकी रीड मेथड है READ। ये देखिए, रीड मेथड, तो उसका यूज़ करके आप डेटा को रीड कर सकते हो। ओके, और डेटा जाएगा किस में, कैरेक्टर वेरिएबल में। तो यहाँ पर हमने टाइप कास्टिंग किया कैरेक्टर, यानी कि जो डेटा हमें रीड करना है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कैरेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ पर ब्रैकेट करके कैरेक्टर लिखा है, तो हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया इसका। ओके, तो system.in से डेटा एंटर होगा, स्ट्रीम में जाएगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर वहाँ पर होगा। ओके, वो कन्वर्ट कर देगा बाइट को कैरेक्टर में, और बफर रीडर जो है वो कैरेक्टर को रीड करेगा यूजिंग रीड मेथड। ओके, और रीड मेथड वहाँ पर आप इस तरीके से डेटा को कन्वर्ट करके वेरिएबल में ले सकते हो। ओके, टाइप कास्टिंग करके, और ये लिखा है system.out.println C। तो इस प्रोग्राम को रन करोगे आप तो प्रोग्राम वेटिंग में रहेगा, एक कैरेक्टर आपको एंटर करना पड़ेगा, कैरेक्टर एंटर करने के बाद वो कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा पहला एग्जांपल, रीडिंग ए कैरेक्टर। अब हमें इंटीजर रीड करना है तो भी क्या लिखना होगा, इंपोर्ट java.io.star। ओके, ये पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर। ओके, इस तरीके से लिखना होगा लाइन, और br.read जब भी आप रीड करोगे तो वो डेटा इंटीजर में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से INT यहाँ पर लिख दे आप तो कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। ओके, इंटीजर में, तो इस तरीके से इनपुट वैल्यू कर सकते हो आप यूजिंग बफर रीडर। ओके, इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू एंटर की हमने। अब देखते हैं रीडिंग ए स्ट्रिंग। ओके, तो यदि आपको स्ट्रिंग रीड करनी है तो इनपुट स्ट्रीम रीडर, ओके, R इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in। देखिए, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया था ब्रैकेट में इनपुट न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, तो यहाँ पर उसका अलग ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। देखिए, इनपुट स्ट्रीम रीडर R इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। ओके, तो इस तरीके से अलग ऑब्जेक्ट बनाकर भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर सकते हो आप। ओके, तो ये दोनों लाइन का मतलब एक ही है, ये लाइन उसको मैंने डिवाइड किया दो लाइन के अंदर। ओके, और जब भी आप
स्ट्रिंग वैल्यू रीड करते हो तो रीड लाइन मेथड यूज़ करें। ओके, रीड लाइन मेथड से पूरे की पूरी स्ट्रिंग जो है वो रीड हो जाएगी और स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। ओके, और इसको डिस्प्ले किया हमने एसओपी। ओके, तो हमने इस लेसन में सीखा कि जावा इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो स्ट्रिंग के अंदर डेटा राइट करना है, डेटा रीड करना है, तो जावा इनपुट आउटपुट क्लासेस यूज होते हैं। स्ट्रिंग क्या है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा। ओके, फॉर एग्जांपल आप कोई चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हो। ओके, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा जाता है, डेस्टिनेशन टू सोर्स आता है, तो वो कंटिन्यूस फ्लो वहाँ पर रहता है। ओके, डेटा का, तो चैटिंग टाइप की एप्लीकेशन इसमें आप बना सकते हो। ओके, देन उसके दो टाइप है स्ट्रीम क्लासेस के, वो भी हमने देखे, बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। ओके, और ये इसके क्लासेस है सब, ये रीडर के क्लास है, कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। ओके, और ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब डेटा एंटर करते हो तो उसे सोर्स बोला जाता है, फिर स्ट्रीम में आता है डेटा, यहाँ पर कन्वर्ट होता है और फिर डेस्टिनेशन में जाता है। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।